हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आपके साथ कर रही हूँ ये वीडियो लेक्चर ऑन ज्योग्राफी और टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ज्योग्राफी का वीडियो है ये और ये हमारे डे वाइज शेड्यूल का एक हिस्सा है। शुरुआत करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। इनको हिंदी में हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती क्या है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं विच आर यूज टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए कि हम दिल्ली में हैं, हमारी जो लोकेशन पॉइंट है वो दिल्ली है, और मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ भाई जे एंड के किधर है, तो आप मुझे एक सिंपल सा आंसर देंगे कि मैम हमारे नॉर्थ में जे एंड के लोकेटेड है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए जरा मुझे गुवाहाटी कहाँ है, तो आप कहेंगे कि मैम ये हमारे ईस्ट में है, दिल्ली के ईस्ट में है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ चेन्नई कहाँ है, तो आप कहेंगे दक्षिण में है। परंतु क्या केवल महज ये कह देना नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, क्या हमारे लिए काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आज के टाइम जब एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, उनको लैंड करना होता है, तो हमें किसी जगह की एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए। नॉर्थ में तो हिमाचल प्रदेश भी है, नॉर्थ में तो पंजाब भी है, नॉर्थ में तो जे एंड के भी है, ठीक है। तो ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैं, ये यही काम आसान करती हैं। ये हमें एग्जैक्टली बताती हैं कि कोई जगह जो है वो कहां पर लोकेटेड है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका उपयोग पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित करने के लिए होता है। पृथ्वी का शेप क्या है, बहुत लोगों को लगता है कि पृथ्वी जो है ये राउंड है, पृथ्वी का जो शेप है ये जियोइड है, इसको हम अंडाकार कहते हैं। पृथ्वी जो है एक संतरे की भांति है जो सेंट्रल पोर्शन इक्वेटर के पास तो बाहर हल्का सा निकली हुई है, और जो ऊपर वाले पोर्शन है हमारे यहाँ और यहाँ पोल्स वाले पोर्शन, वहां पर हल्की सी फ्लैटेंड है। लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ कैन बी मेंशनड इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दिल्ली कहाँ पर लोकेटेड है, अगर मैं आपसे पूछूं तो दिल्ली जो है ये 28 डिग्री नॉर्थ एंड 78 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये हम आगे वाली स्लाइड्स में समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो लैटिट्यूड्स जो हैं हमारे, और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स जो हैं ये इस तरह की रेखाएं हैं, इक्वेटर जो है ये एक लैटिट्यूड है, ओके। ये इस तरह की रेखाएं हैं जो कि धरती के ऊपर बनाई गई हैं, जो बिल्कुल सेंटर में है, जो धरती को दो हिस्सों में बांटती है, उसको हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, ओके। हमने क्या किया है कि हमने पृथ्वी पर काफी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और काफी सारी हमने पृथ्वी के ऊपर वर्टिकल लाइन इस तरह से बनाई हुई है, जो इस तरह से बनाई गई है लंबी लॉन्ग, ओके। उनको तो हमने कहा है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये वाली जो है ये लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है जो इस तरह से लंबी बनाई गई है, और जो इस तरह से बनाई गई है ये है हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन्होंने पृथ्वी को क्या किया है, इन्होंने पृथ्वी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। जो सारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो एक पॉइंट नॉर्थ पोल पर जाकर मिल जाती है और नीचे साउथ पोल पर जाकर मिलती है, ओके। तो यहां से देखो इस तरह से बन रही है ये रेड कलर की लाइन, फिर नेक्स्ट वाली लाइन हमारी यहां पर बन रही है, फिर थर्ड वाली लाइन हमारी यहां पर बन रही है, और इनमें जो वो रेखा है जो कि जीरो डिग्री है वो प्राइम मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन मेन मेरिडियन के नाम से वो जानी जाती है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अक्षांश रेखा या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या है। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ्स सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी जिसे डिग्री में मापा जाता है वो कहलाती है लैटिट्यूड। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो है हमारी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। देखो जैसे ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, मेरा गोलाकार ठीक नहीं बनता है, ओके, इस पेन से बनाना बड़ा मुश्किल होता है। सपोज दिस इज योर अर्थ, ये आपकी पृथ्वी है। हमने क्या किया है, हमने पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा बनाई जिसने पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित किया। ऊपर वाले को हमने नाम दिया उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो है दक्षिण में उसको हमने नाम दिया सदर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी एग्जैक्टली जो लाइन है बिल्कुल बीचों बीच, इसको हमने नाम दिया है इक्वेटर, ये इक्वेटर है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस रेखा से 111 किलोमीटर के आसपास अगली रेखा बनाई। ये तो है जीरो डिग्री, अगली वाली हमारी बनी 1 डिग्री नॉर्थ, फिर उससे 111 किलोमीटर आगे 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से करते करते हम पहुंचे 90 डिग्री नॉर्थ तक। सिमिलरली दक्षिण में 111 किलोमीटर नीचे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 111 किलोमीटर तक हम चलते गए, फाइनली हम पहुंचे आपका 90 डिग्री साउथ तक। तो
अर्थ जो है इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज लिटिल लॉन्गर देन दैट एट द इक्वेटर. फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर जो है हमारा 0 degree है, इट इज 68.704 माइल्स एट 45 degree, इट इज 69.054 माइल्स एट द पोल्स, इट इज 69.407 माइल्स. एवरेज इज टेकन एज 69 माइल्स 111 किलोमीटर. 111 किलोमीटर पर हम इस तरह से रेखाएं बनाते गए. ये जो सारी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. और टोटल कितनी है ये हमारी, 90 ऊपर नॉर्थ में, 90 नीचे साउथ में, और एक 0 degree. तो टोटल कितनी हुई, टोटल हुई हमारी 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. आइए अब इस पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूं. ये है हमारा 0 degree, 0 degree इक्वेटर. 0 degree को हमने क्या नाम दिया है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा. इसके 23.5 degree नॉर्थ में, जैसे कि मैंने आपको बताया 111 किलोमीटर पर हम 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 111 किलोमीटर पर बनाते जाएंगे. ऐसे पहुंचते हैं 23.5 degree पर. तो जो हमारी 23.5 degree है वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, उसके बाद जो हमारी 66.5 degree है वो आर्टिक सर्कल कहलाती है, और 90 degree जो है वो बिल्कुल नॉर्थ पोल है. सिमिलरली जो हमारी 23.5 degree साउथ में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. उसके बाद और नीचे चलिए आप तो आपको मिलेगा यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल, और 90 degree जो है उसको हम कहते हैं साउथ पोल. ये वाली जो हमारी लाइंस हैं आप देख रहे हैं, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ऑल दीज आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. और ये बेहद महत्वपूर्ण है. इक्वेटर तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और हमारा दक्षिण वाला सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बियॉन्ड, इनके परे जो है सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं. तो ये वाला जो पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहां पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, और ये एक वो रीजन है पृथ्वी का जिसको की हीट जो है पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में, सरप्लस में मिलती है. ओके, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक, ये वो वाला पोर्शन है जहां पर सूरज की तिरछी किरणें पहुंचती हैं, और यहां पर जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली टुवर्ड्स द कोल्डर साइड ही रहता है, सीधी किरणें नहीं पहुंचती हैं. तिरछी किरणें पहुंचने का मतलब है कि जो किरणें हैं, जो हीट है उसने ज्यादा डिस्टेंस में ट्रैवल किया है तो स्कैटरिंग उसकी ज्यादा हुई है. और फिर 66.5 degree से, ओके, 66.5 degree से बियॉन्ड नॉर्थ पोल तक यहां पर सूरज की किरणें पहुंचती ही नहीं है, ये फ्रोजन जोन है. तो ये वाला जो है टॉरिड जोन, ये हमारा हीट सरप्लस जोन है. उसके बाद वाला, ये वाला जो हमारा पोर्शन है इस तरह से जिसको मैं कलर कर रही हूं, ये वो वाला पोर्शन है जहां पर टेम्परेचर टेम्परेट क्लाइमेट है. और फिर ये वाला जो पोर्शन है यहां पर जो है हमारा, ये फ्रोजन है. ओके, नीचे सिमिलरली यहां पर 66.5 degree साउथ से लेकर 90 degree साउथ तक ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये फ्रोजन है. लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बिसाइड्स द इक्वेटर. इक्वेटर की तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि ये पृथ्वी को नॉर्थन हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल 90 degree नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 degree साउथ. देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 23.5 degree नॉर्थ में है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degree साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. आर्टिक सर्कल 66.5 degree नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है. अंटार्कटिक सर्कल 66.5 degree साउथ ऑफ द इक्वेटर है. ओके, ये देखिए यहां पर आपको सारे का सारा दिखाया हुआ है इस और एक पिक्चर में. दिस इज योर इक्वेटर, ऊपर की तरफ सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ आपका सारा सदर्न हेमिस्फीयर. ये इस तरह से जो है ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है. ओके, 66.5 degree जो है हमारा आर्कटिक सर्कल है, यहां पर नीचे अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 degree इन द साउथ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारा कुछ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. Latitudinal heat zones of the earth. Midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer कहाँ है? ये 23.5 degree in the north है. Tropic of Capricorn जो है ये 23.5 degree south है. इसके बीच का जो सारा portion है उसको हम torrid zone कहते हैं. कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य सर के ठीक ऊपर होता है, इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं.
ये जो जोन है ये मैक्सिमम हीट एनर्जी रिसीव करता है। मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर के सूर्य सर पर ठीक ऊपर नहीं होता है। सर पर ठीक ऊपर होने का मतलब क्या है? देखो मान लीजिए ये जगह है एक ए और एक ये जगह है बी और यहां पर सूर्य जो है वो ओवरहेड है। ओवरहेड का मतलब है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट? अब मान लीजिए भाई ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये सीधा है, ओके? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहा है, जो एनर्जी है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी और सीधी किरणें जो हैं वो ज्यादा हीट देंगी। लेकिन मान लीजिए एक और जगह है बी, इसके लिए सूर्य को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होंगी और तिरछी किरणें हैं जो इतनी इंटेंस नहीं होती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा ये वो लाइंस हैं जिनके बियॉन्ड, ओके, मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑफ एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके ये देखो ये वाला जो है हमारा ये सारे का सारा टॉरिड जोन है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। सन यहां पर ओवरहेड जरूर इन जगहों पर साल में एक बार जरूर होता है। उसके बाद यहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक ये वाला जो हमारा सारा पोर्शन है ये टेम्परेट जोन है। यहां पर सूरज की तिरछी किरणें पहुंचती हैं। सिमिलरली नीचे 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक ये वाला जो सारा पोर्शन है ये टेम्परेट जोन है। और ये वाला जो पोर्शन है 66.5 डिग्री नॉर्थ से पीछे वाला सारा 0 डिग्री तक ये जो है हमारा ये फ्रिजिड जोन है। साल भर ये फ्रोजन ही रहता है। ओके तो इस तरह से हमने पृथ्वी को इन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। टेम्परेट जोन क्या है? एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो जोन है ये मॉडरेट टेम्परेचर का जोन है। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम पहले भी कवर अप कर चुके हैं जब हमने इंडिया के बारे में कवर किया था, तो आपको याद है ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरेगी। ओके ये देखिए जोन्स एक बार फिर, यहां पर आपका टॉरिड, टेम्परेट एंड फाइनली फ्रिजिड। स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, इस मैप के थ्रू देखिए यहाँ पर इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ ये गुजरात से प्रवेश करती है। उसके बाद हल्का सा पोर्शन राजस्थान में जाएगा, यहाँ पर ये जो है नंबर 2 जहाँ लिखा है उसके पीछे हल्का सा राजस्थान में जाएगा, फिर पूरा एमपी, छत्तीसगढ़, फिर आपके झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, फाइनली त्रिपुरा एंड देन इट्स गोइंग टू गो आउट ऑफ दीज 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। Latitudinal heat zones of the earth, frigid zone, जो frigid zone है, it is areas lying between the Arctic Circle in the and the North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere. This zone is very very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting. Okay? आगे चलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये सारे का सारा फ्रिजिड जोन है। यहाँ पर लोग बहुत उत्सुकता से गर्मी के मौसम का इंतजार करते हैं। गर्मी का मौसम भी हमारे जैसी गर्मी नहीं होती है, बस थोड़ा सा ठंडे से थोड़ा सा बेटर हो जाता है। यहाँ पर आपका ये जो पोर्शन है ये वो वाला रीजन है, पोलर बेयर्स वाला रीजन है यहाँ पर, ओके? तो एस्किमोज वाला रीजन, इग्लूज वाला रीजन जो है ये फ्रिजिड जोन। तो 90 डिग्री जो नॉर्थ है हमारा उसके आसपास वाला 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये पोर्शन है। सिमिलरली 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ के बीच में ये फ्रिजिड जोन वाला पोर्शन है। इट इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। लॉन्गिट्यूड, हमने लैटिट्यूड्स के बारे में विस्तार पूर्वक बात की, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इनको हिंदी में कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ओके देशांतर रेखाएं इनका हिंदी में नाम है। लॉन्गिट्यूड, एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम और फर्स्ट मेरिडियन। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेटर था जो पृथ्वी को एक नॉर्दर्न और सदर्न पोर्शन में डिवाइड कर रहा था, सिमिलरली हमारे पास एक लाइन इस तरह से भी है। ओहो फिर से ये मेरी सीधी नहीं बन रही है। सिमिलरली हमारे पास एक लाइन है इस तरह से जो कि पृथ्वी को एक ईस्टर्न और वेस्टर्न पोर्शन में डिवाइड करती है। वो जो लाइन है उसको हम कहते हैं आपकी प्राइम मेरिडियन।
वो लाइन देशांतर रेखा जो पृथ्वी को एक पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में विभाजित करती है उसको हम कहते हैं प्राइम और फर्स्ट मेरिडियन। एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो एक इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन क्या है, ये वो काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेटर पर इससे 111 किलोमीटर मेजर करेंगे, एक लाइन इस तरह से बनाएंगे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ती हो, फिर इस तरह से अगली बनाएंगे, फिर इस तरह से अगली बनाएंगे, फिर इस तरह से अगली बनाएंगे, बनाते जाएंगे। इनको नाम देंगे ये 0 डिग्री थी, फिर ये 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, इस तरह से करते जाएंगे और हम अल्टीमेटली पहुंचेंगे आपके 180 डिग्री तक। सिमिलरली इस तरफ जो है पश्चिमी तरफ भी हम इस तरह से रेखाएं बनाते जाएंगे 111 किलोमीटर पर ऑन द इक्वेटर। ओके, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, 5 डिग्री वेस्ट, इस तरह से करते जाएंगे, पहुंचेंगे 180 डिग्री पर। इधर से घूमकर इस तरह से जाएंगे 180 डिग्री पर और इधर से इस तरह से जाएंगे, तो जो 180 डिग्री वेस्ट की ओर से गई है और ईस्ट की ओर से गई है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ओवरलैप करती हैं, इसलिए हम इनको केवल 180 डिग्री कहते हैं, ना 180 डिग्री ईस्ट, ना 180 डिग्री वेस्ट। These are series of semicircles that run from pole to pole passing through the equator. Such lines are also called meridians. Unlike the equator which is centrally placed between the poles, any meridian could have been taken to begin the numbering of longitude. हर meridian जो है वो पृथ्वी को दो हिस्सों में ही विभाजित कर रही है, ठीक है? आगे देखो, ये देखिए, यहां से ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ेंगी, यहां पर ये हमारी जीरो डिग्री है, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। प्राइम तो इसलिए क्योंकि ये मेन है सारों में, ग्रीनविच इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है, वहां पर ग्रीनविच वो जगह है, वहां के बीचों बीच से ये होकर गुजरती है, ग्रीनविच मेरिडियन। तो ये जीरो डिग्री है, फिर इससे हम 1 डिग्री वेस्ट बनाएंगे, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, फाइनली 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री वेस्ट, ऐसे करते करते 180 पर पहुंचेंगे। इस तरफ ईस्टर्न साइड में 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट, ये सारा, और सभी ये जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ेंगी। लॉन्गिट्यूड, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंडन वॉज चोजन एज द जीरो मेरिडियन इन 1884 बाई इंटरनेशनल अग्रीमेंट। ग्रीनविच ही क्यों चुना गया भाई, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ था अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत 1884 में लंदन के पास ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल वेदशाला को शून्य देशांतर के रूप में चुना गया था। दिस इज द प्राइम मेरिडियन फ्रॉम विच ऑल अदर मेरिडियंस रेडिएट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड अप टू 180 डिग्री। एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बिकम शॉर्ट पोलवर्ड, सो द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव कन्वर्ज्ड एट द पोल्स एंड क्लोज अ नैरोअर स्पेस। दे डिटरमिन लोकल टाइम इन रिलेशन टू GMT। देखो, जैसे कि हमने लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की बात की और उनमें हमने बेसिकली ये डिस्कस किया कि कौन से एरिया को सूरज से कितनी हीट एनर्जी मिल रही है, हमने टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन डिटरमिन किया। अब जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है वो ये डिटरमिन करती हैं कि किस जगह को सूर्य से कितनी गर्मी मिलेगी। अब जितनी ज्यादा गर्मी मिलेगी उतना लंबा वहां पर गर्मी का सीजन होगा, जैसा वहां पर कैसा एग्जैक्टली क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर होगा, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड डिटरमिन करती है। वहां पर कितनी सनलाइट मिलेगी उससे डिटरमिन होगा वहां पर वेजिटेशन कैसी होगी, वहां पर रेनफॉल कैसी होगी, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, वो सब कुछ डिटरमिन होगा। लेकिन जो हमारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, ये टाइम डिटरमिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे डिटरमिन लोकल टाइम इन रिलेशन टू द ग्रीनविच मीन टाइम व्हिच इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज वर्ल्ड टाइम। हम टाइम बताने में AM और PM का इस्तेमाल करते हैं, राइट? AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, ANTE एंटी मेरिडियन, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन, मेरिडियन के पीछे। तो ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये डिटरमिन करती है टाइम। दे डिटरमिन लोकल टाइम इन रिलेशन टू GMT और ग्रीनविच मीन टाइम व्हिच इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द वर्ल्ड टाइम। Longitude and time. Since the Earth makes one complete revolution of 360 in one day or 24 hours, it passes through 15 in degree in 1 hour or 1 degree in 4 minutes. पहले मैं आपको समझाती हूँ कितनी lines of longitude है हमारे पास। देखिए, ये मेरा अर्थ है, ये मेरी जीरो डिग्री वाली है, इसके 180 इधर है, 180 इधर है, ओके? तो टोटल कितने हो गए, 360। लेकिन हमारी जो 180 वाली है वो दोनों ओवरलैप होती हैं, तो एक हमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 359, प्लस इसके साथ एक मैं जीरो डिग्री वाली जोड़ूंगी तो कितने हो गए 360, राइट? अब 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है। 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है, अब मान लीजिए मैं आपको एक और फिगर अभी बनाकर दिखाती हूं,
कि मान लीजिए ये है मेरा अर्थ, ओके, और इसके पास एक ये वाला पॉइंट है हमारा, ओके, जो है हमारा 0 डिग्री, ये मेरा सन है, ओके। पृथ्वी को अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में पूरे 24 घंटे लगते हैं, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारे 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं 24 घंटे में घूमकर, मान लीजिए कि ये पॉइंट अभी है, 24 घंटे बाद ये घूमकर ये पॉइंट यहाँ आने वाला है, ठीक है। अब 360 लॉन्गिट्यूड्स को टोटल टाइम लगता है 24 घंटे, इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो इनटू 60 हो जाएगा। एक डिग्री को कितना टाइम लगेगा, इसको 24 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 360 करूंगी, ओके। तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, 6 और ये यहां पर 6 आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 4 मिनट्स। तो एक लॉन्गिट्यूड से टोटल हमें 4 मिनट का फर्क पड़ता है। अगर आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आ रही, इतना याद रखना कि 1 डिग्री से आपको 4 मिनट का फर्क पड़ता है, ठीक है। सिंस द अर्थ मेक्स 1 complete revolution ऑफ 360 डिग्री इन 1 डे और 24 आवर्स, इट पासिस थ्रू 15 डिग्रीज इन 1 आवर। 1 डिग्री से 4 मिनट का फर्क पड़ता है, तो 15 डिग्री से कितने का फर्क पड़ेगा, तो हमें 15 × 4 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्ट वर्ड्स, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाय 1 आवर। कन्वर्सली इफ वी गो वेस्ट वर्ड, लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाय 1 आवर। अर्थ की रोटेशन क्या है, अर्थ की रोटेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट है। अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो हमें टाइम पीछे करना पड़ेगा। हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको कहते हैं, हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को कहते हैं, जो कि बिल्कुल आपके ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है, वहां पर सूर्य आपको सबसे पहले नजर आता है। तो अगर आप ईस्ट की ओर जाते हैं अपने, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें टाइम को आगे करना है। अगर हर 15 डिग्री के लिए हमें 1 आवर ऐड करना होगा। प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन अर्लियर एंड गेन टाइम, वेर एज प्लेसेज वेस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन लेटर एंड लूज टाइम। ये देखिए, ये हमारी पिक्चर है, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारा टोक्यो जापान लोकेटेड है, ओके। यहां पर ये देखिए टोक्यो आपको नजर आ रहा है, वहां पर आपको सूरज सबसे पहले नजर आता है, ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। वो जो मैं जैसे 0 डिग्री जो है हमारी, वो प्राइम मेरिडियन है, ये दुनिया भर का समय निर्धारित करती है, ओके। यहां पर देखो GMT लिखा हुआ है आपका, ईयर इफ यू सी केयरफुली, तो ये लंदन से होकर गुजर रही है ये, ओके। अब मान लीजिए इससे आप इस तरफ जाते हैं, इससे आप इस तरफ जाते हैं, ईस्ट में जाएंगे, तो आपको फॉर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऐड करना पड़ेगा 1 आवर, आप ऐड करेंगे। और अगर आप इस 0 डिग्री से वेस्ट में जाते हैं, फॉर एवरी 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड आप 1 घंटा माइनस करेंगे, ओके। ये देखो यहां पर है हमारा, अब जब यहां पर मान लीजिए कि लंदन में आपके 12 बजे हुए हैं, ठीक है, इट इज 12 o'clock। अब यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, इंडिया में उस वक्त शाम के 5:30 बजे होंगे, क्योंकि इंडिया का जो टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से आपका कैलकुलेट होता है, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस, अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो आपको हर 15 डिग्री के लिए घंटा घटाना होगा, एक घंटा घटाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर 12 बजे हुए हैं लंदन में, और मैं आपसे पूछती हूं कि सैंटियागो में कितने बजे हुए हैं, तो आपको देखना होगा सैंटियागो कितने डिग्रीज वेस्ट पे है, और फिर जितने डिग्रीज हैं, मान लीजिए कि सैंटियागो के लिए हम यहाँ पर 4 घंटा घटा रहे हैं, तो प्रोबेबली वो जो है वो 60 डिग्री आपके वेस्ट में लोकेटेड होगी, ओके। क्योंकि 4 घंटे का मतलब क्या हुआ, 4 घंटे का मतलब हुआ 4 × 60 विच इज इक्वल टू 240 मिनट्स, ठीक है ना। 240 मिनट्स के लिए कितने डिग्रीज होंगी वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये एक मैप है जिसमें आपको जिसमें आपको रफ आइडिया दिया गया है। उसी जैसे 0 डिग्री जो है टाइम कैलकुलेट करने के लिए है, जो 180 डिग्री वाली है उसको हम इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं। देखो जो यहां पर हल्की सी नजर आ रही है, और ये दुनिया भर में क्या तारीख होगी इसको डिटरमिन करती है। टाइम जोन्स, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं वो किसी भी जगह का टाइम डिटरमिन करने का रोल प्ले करती हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कैनेडा है, चाइना है, भारत भी एक बड़ा देश है, हम दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो हम केवल एक लॉन्गिट्यूड पर तो लोकेटेड है नहीं। अब भारत में ही तो कंट्रीज जो है वो एक लॉन्गिट्यूड पर तो आपके लोकेटेड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम किसी भी कंट्री में से कोई
कोई ऐसे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को ले लेते हैं जो पूरी कंट्री का टाइम डिटरमिन करेगी. इफ ईच टाउन वर टू कीप द टाइम ऑफ इट्स ओन मेरिडियन, देयर वुड बी सो मच डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन वन टाउन एंड अनदर. गुजरात में कुछ और बज रहा होता, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और बज रहा होता. ओके, तो अगर मान लीजिए किसी को डीडी पर न्यूज देखने हैं और समाचार 8:40 पे शुरू होंगे, तो कहीं किसी और समय हो रहे, कहीं किसी और समय हो रहे हैं. इन सभी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम का आइडिया लगाया गया. और उस स्टैंडर्ड टाइम में क्या होगा कि देश के में कहीं से भी कोई मोस्ट प्रेफरेबली बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है हम उसको ले लेंगे, और जो टाइम उस रेखा पर हुआ होगा वही हमारे पूरे देश में एप्लीकेबल होगा. भारत के लिए तो ये एक है, लेकिन बहुत बड़ी कंट्रीज के लिए जैसे रशिया हुआ, वहां पर टाइम जोन्स भी अलग अलग हैं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले पूरी कंट्री को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया. ये जोन ए, ये जोन बी, ये जोन सी. जोन ए के लिए अपनी अलग लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होगी, बी के लिए अलग होगी, सी के लिए अलग होगी. मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज. अब भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट जो है उसको हमने लिया है एज द लाइन जो इस पे कि हम अपना टाइम डिटरमिन करेंगे. भारत के लिए वो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है. लार्ज कंट्रीज लाइक कैनेडा, यूएसए, चाइना, यूएसएसआर हैव मल्टीपल टाइम जोन्स. कैनेडा और यूएसए में आपके 5 टाइम जोन्स हैं, एटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन, पैसिफिक टाइम जोन्स. डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम ऑफ द एटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट इज नियरली 5 आवर्स. रशिया नाउ हैज 11 टाइम जोन्स. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन, गोइंग ईस्टवर्ड एंड रीचिंग 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, वन गेन्स 12 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी, गोइंग वेस्टवर्ड्स ऑन रीचिंग 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, वन लूजेस 12 आवर्स. Thus, there is a total difference of 24 hours on a whole day between the two sides of 180 degree meridian. अब जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं. अब मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, दिस इज आर अर्थ. ओके, अब यहां पर ये हमारी 0 डिग्री वाली लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. इससे हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से हम बनाते गए. आपको बहुत अच्छे से पता है कि 15 डिग्रीज के लिए 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है, और इधर 180 है, राइट? 180 है. तो 180 के लिए कितना फर्क पड़ेगा, 180 को अगर मैं 15 से डिवाइड करती हूं तो मेरा आंसर आता है 12 घंटे का फर्क पड़ जाएगा, राइट? तो 180 डिग्री पर हमारा जो है इस तरफ अगर जाते हैं, मान लीजिए यहां पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो 180 डिग्री वेस्ट पर रात के 12 बजे होंगे, राइट? रात के 12 बजे होंगे. सिमिलर, क्योंकि मुझे इस 12 बजे में से 12 घंटे घटाने क्योंकि मैं वेस्ट में जा रही हूं, राइट? अब अगर मान लीजिए कि मैं ईस्ट में जाती हूं, ईस्ट में 180 डिग्री वाली जो लाइन है, इस तरह से अगर मैं चलती हूं, अब फिर 15 घंटे का मतलब, 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 12 घंटे. तो जो 180 डिग्री हमारी ईस्ट में है वहां पर रात के 12 बजे हैं, यहां पर भी रात के 12 बजे हैं 180 डिग्री वेस्ट पर, और जो हमारी 180 डिग्री ईस्ट है उस पर भी रात के 12 बजे हैं. लेकिन इस तरफ मान लीजिए कि यहां पर जो दिन है मेरा वो 7 अप्रैल है, रात के दोपहर के 12 बजे हैं लंदन में, और दिन है मेरा 7 अप्रैल. 180 डिग्री वेस्ट जो 12 घंटे पीछे है वहां पर अभी अभी 7 अप्रैल हुई ही है, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद ही तो डेट चेंज होती है. अभी 7 अप्रैल हुई है. लेकिन अगर आप इधर की बात करें 180 डिग्री ईस्ट की, वहां पर रात के 12 बजे हैं और दिन हो गया है हमारा 8 अप्रैल, क्योंकि ये हमसे 12 घंटे आगे हैं. तो जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके एक तरफ, इस तरफ ईस्ट में तो 8 अप्रैल है और वेस्ट में जो है हमारी 7 अप्रैल है. तो जैसे ही आप इस रेखा को क्रॉस करते हैं आपको टाइम, सॉरी, आपको डेट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल डेट लाइन. आप 31 दिसंबर को यहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए, फिर जंप करके इस तरफ आ जाइए, यहां पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं आप. ओके, यही बात यहां पर समझाई गई है इस स्लाइड में. इंटरनेशनल डेट लाइन, गोइंग ईस्टवर्ड्स एंड रीचिंग 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, वन गेन्स 12 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी, गोइंग वेस्टवर्ड ऑन रीचिंग 180 डिग्री, one will lose 12 hours. Thus, there is a total difference of 24 hours or a whole day between the two sides of the meridian. इसको हम international date line कहते हैं, where the date changes by exactly one day when it is crossed. Crossing the international date line from east to west, one will lose a day, and while crossing the date line from west to east, one will gain a day. पूरब से पश्चिम रेखा को पार करने पर एक दिन की हानि होती है क्योंकि वेस्ट हमसे पीछे है, और पश्चिम से पूरब की ओर रेखा को पार करने पर एक दिन का लाभ होता है.
ये मैंने आपको जो पिक्चर में समझाया वो है। अब ये देखिए, ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन और ये हमारी इकलौती लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है जो सीधी नहीं है और इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है। टेढ़ी मेढ़ी बनाने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अगर हम इसको बिल्कुल सीधी बनाते, मान लीजिए हम इस तरह से इसको सीधी बनाते, तो ये इस पोर्शन के भी बीचों बीच से निकल कर जाती, फिर बहुत सारे टापू हैं उनके बीचों बीच से निकल के जाती, टापू पर एक तरफ कोई और तारीख होती, एक तरफ कोई और तारीख होती। तो कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने टापुओं को या तो इस तरफ ही कर दिया या इस तरफ कर दिया, बीचों बीच से कोई नहीं गुजरा। यहां पर देखो आप, टापू इस तरफ ही है या फिर इस तरफ है। तो इस सुविधा के लिए जो लॉन्गिट्यूड है ये, इसको हमने सीधा नहीं बनाया। इंटरनेशनल डेट लाइन इज द मिड, द इंटरनेशनल डेट लाइन इन द मिड पैसिफिक कर्व्स फ्रॉम द नॉर्मल 180 डिग्री मेरिडियन टू बेरिंग स्ट्रेट, फीजी, टोंगा एंड अदर आइलैंड्स टू प्रिवेंट कंफ्यूजन ऑफ डे एंड डेट इन सम ऑफ द आइलैंड ग्रुप्स दैट आर कट थ्रू बाय द मेरिडियन। सम ऑफ देम कीप एशियाटिक और न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड टाइम, अदर्स फॉलो द अमेरिकन टाइम एंड डेट। रीजन फॉर इंटरनेशनल डेट लाइन इन अ zigzag मैनर, ये सीधी क्यों नहीं है। द इंटरनेशनल डेट लाइन एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन, द डेट चेंजेस एज सून एज वन क्रॉसेस दिस लाइन। हमारे कुछ आइलैंड्स हैं जैसे कि पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया फॉल ऑन आइदर साइड ऑफ द डेट लाइन। सो इफ द डेट लाइन वॉज स्ट्रेट, दीज टू रीजन ऑफ द सेम आइलैंड ग्रुप वुड फॉल अंडर डिफरेंट डेट जोन्स। तो हमें कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, एक तो छोटा सा आइलैंड उसमें भी दो दो तारीख है। दस टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन ऑफ डेट, दिस लाइन is drawn in a zigzag manner through which sea lies or and not land. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन गवर्नमेंट ने किसको एक्सेप्ट किया है, भारतीय सरकार जो है, भारतीय सरकार ने मानक समय के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट को चुना। ओके, और ये ठीक 5.5 घंटे है जीएमटी से, ये लंदन वाले समय से ठीक 5.5 घंटे अगर आगे है। अगर वहां पर दोपहर के 12 बजे है तो हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ शाम के 5.5 बजे होंगे, हम ईस्ट में है, हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। ओके, 150 years ago, British colonists introduced chai bagan time or bagan time, a time schedule observed by tea planters which was 1 hour ahead of Indian standard time. This was done to improve productivity by optimizing the usage of day time. After independence, Assam along with the rest of India has been following IST for the past 66 years. The administration of Indian state of Assam now wants to change its time back to chai bagan time to conserve energy and improve productivity. Indian government didn't accept to such a proposal. जो हमारी Indian standard meridian है वो मिर्जापुर यूपी से होकर गुजरती है और ये कंट्री को करीबन बराबर के दो हिस्सों में डिवाइड करती है। दूसरे राज्य जहां से ये होकर गुजरती है उसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह आते हैं। ये देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाती हूं हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इस रेखा पर टाइम होगा वो सारे भारत के लिए एप्लीकेबल है। ये देखो यहां पर उत्तर प्रदेश, ओके, उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, उड़ीसा से और आगे आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रही है। और इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।